हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा में आने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगता। ये भगवत भक्ति का जो पथ है ये बहुत ही आनंदमय है। बाकी जितने सारे साधना, योग साधना, इसमें कठोर तपस्या, जो जंगल में जाकर, हिमालय में जाकर, बर्फ की गुफा में, अंधेरी गुफा वहाँ पे रहते हुए भगवान का ध्यान करना पड़ता है, बहुत ही कठिन है। लेकिन ये जो भगवत भक्ति का पथ है, ये भगवत भक्ति का पथ है कि एवं प्रसन्न मनसो, प्रसन्न मन से किया जा सकता है। किसी प्रकार का नो एनी एंजाइटी, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का झमेला उठाना नहीं पड़ता। व्यक्ति को जस्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मीन्स ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करना है। भगवान की अनगिनत लीला कथाएं हमारे वैदिक साहित्यों में दी गई है। भगवान के 24 अवतार हैं, 24 के अनंत अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है, अनंत अवतार है और उन सब की लीलाएं अनंत है। तो इसलिए हमारे जीवन काल में यह संभव नहीं है कि सब लीलाओं को हम लोग श्रवण कर सके, लेकिन फिर भी इसलिए भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की ताकि कभी हमारे मन में ये ना हो कि हमने तो भगवान की लीला सुनकर या पढ़कर खत्म कर दी। नहीं, इसीलिए भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की ताकि हमारे जीवन में किसी भी तरह का ये एंग्जाइटी ना आए कि हम लोग भगवान की लीला पढ़ते पढ़ते ख़त्म कर दिए। इसीलिए इतने सारे पुराण, 18 पुराण, मार्कंड पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, हरिवंश पुराण, आपका नारदीय पुराण, बृहन नारदीय पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, अनंत कितने सारे 18 पुराण है, फिर 4 वेद है, 108 उपनिषद है, इतने सारे शास्त्र हैं जिसमें भगवान की ब्रह्मवैवर्त पुराण, जिसमें भगवान की अनगिनत लीलाओं का वर्णन किया जा चुका है। तो इसीलिए मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उस भगवान की उस लीला को श्रवण करना है और समझना है। समझने की बात तो दूर की, जस्ट श्रवण कीजिए, ऑटोमेटिक सब भगवान की लीला हमारे हृदय में स्फुरित होगा। तो इसीलिए कि भगवत भक्ति का पद क्या है, पहला है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। भगवत भक्ति को कैसे सहज में किया जा सके, पहले क्या है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, मीन्स इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और दूसरा है भगवान की अनगिनत लीलाओं का पठन, अध्ययन और श्रवण पुराणों के माध्यम से, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जा चुका है। तो हम लोग जस्ट उसे श्रवण करेंगे और हमारे जीवन को सार्थक करेंगे। और तीसरा है कि कुछ कुछ चीज़ें शास्त्रों द्वारा निर्धारित है जिसको हम लोग को नहीं करना है और कुछ कुछ चीज़ें करना है, जैसे मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अद्वैत अवैध संघ एसोसिएशन मीन्स जोन संघ अवैध नहीं करना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए, ये चार चीज़ नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ करना चाहिए, जैसे प्रातःकाल में उठना ब्रह्म मुहूर्त या सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करना, मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, मंगल आरती करना। मंगल आरती संभव अगर ना हो तो सुबह सुबह भगवान को, भगवान का चित्रपट है या भगवान के विग्रह है घर में, उसको नहला कर, कहने का मतलब अर्चन करना। अर्चन इसे हम लोग अपने शरीर को साबुन लगा के, तेल लगा के स्नान करते हैं, परिष्कार होते हैं, उसी प्रकार भगवान को भी स्नान करवाना है गंगा जल से या किसी भी जल से, ये कपड़े से मुछ कर भगवान को स्नान करना है, तुलसी पत्ता तुलसी चंदन लेना है, भगवान को फूल अर्पण करना है, अगरबत्ती दिया भगवान को लगा के खुद को शुद्ध होना है। भगवान का ये है श्रृंगार आरती,
उसके बाद श्रीमद् भागवत का पाठ, यही तो कुछ कुछ चीज़ जो हम लोग को रोजाना करना है। इसे करने से क्या ना शुद्धता रहती है, क्योंकि श्री हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो शुद्धता हमारे अंदर नहीं रहेगी। शुद्धता होने के लिए भगवान के विग्रह का अर्चन करना अनिवार्य है। तो इसलिए आप सभी भक्तों को यही निवेदन है कि इस सरल पंथा मनुष्य जीवन में हम सबको जो मिला है, इस सरल पंथा को ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। क्योंकि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है ताकि भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करके उनकी भक्ति में लग जाए। उनकी भक्ति में लग जाने के लिए कितना सरल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता पर्यच्छति, कि भगवान बोलते हैं कि आप मुझे फल अर्पण करो, थोड़ा सा फूल, जल और तुलसी का पत्ता, इसी के द्वारा मैं संतुष्ट हो जाऊँ। तदा हम भक्त उपरि तस्नामी पर्यतात्मा, मतलब मैं उसके प्रति प्रसन्न होता हूँ, मैं उनकी पूजा को स्वीकार करता हूँ। तो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, हमारे तुच्छ भेंट से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम सभी भक्तों का ये कर्तव्य है कि भगवान के नित्य सेवा में लग जाए और अपने मानव जीवन को सार्थक करें। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।